हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ प्रीत तिवारी और मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ शॉर्ट हेयर कट किस तरीके से करना है। तो बहुत ही इजी तरीका है और आराम से आप कर सकते हो। तो उसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरा एक और चैनल है जो कि मैंने अभी हाल ही में स्टार्ट किया था, जिसका नाम है इंडियन यूट्यूबर प्रीत तिवारी, जिस पर मैं अपनी ब्लॉग की वीडियो अपलोड करती रहती हूँ। तो कुछ मैं इस टाइम डिस्टर्ब चल रही थी, जिसकी वजह से मैं उस चैनल पर वीडियो नहीं डाली थी, बट कल से मैंने वीडियो स्टार्ट कर दिया, उस पर वीडियो चल जा चुका है। तो आप जाके चेक कर लीजिएगा, इंडियन यूट्यूबर प्रीत तिवारी। और हाँ, एक और टिप्स दे दूँ मैं आप लोगों को, जैसे आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा टेन आ जाता है, डल दिखती है, सांवला पंसा दिखने लग जाता है, तो आपको क्या करना है, आपको स्क्रब करना है। स्क्रब आपको वीक में एक या दो बार आप कर सकते हो। आपको नॉर्मली कोई सा भी स्क्रब ले सकते हो, जैसे कि एवरीयूथ का कोई भी जो आपकी फेवरेट स्क्रब हो वो आप ले लीजिए। और बस में एक चीज़ ऐड कर लीजिए, जिससे आपकी स्किन का ग्लो बहुत अच्छा हो जाएगा और अच्छे से स्किन चमकने लग जाएगी और सारा जितना भी गंदगी मैल होगा वो निकल जाता है। तो उस चीज़ का नाम ग्लिसरीन है, जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ। और अपने फेशियल में, अपने मसाज में आप इसको ऐड करो, आपको अलग सा निखार दिखेगा, बहुत ही अच्छा ग्लो आता है उससे। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। और इस तरह ये हेयर कट कैसे किया वो पूरा वीडियो देख लीजिए। और कंटिन्यू मैं हेयर कट की वीडियोज डालते जा रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को मेरी हेयर कट की और वैक्सिंग की वीडियो ज़्यादा पसंद आती है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इसी टाइप की वीडियोज लेकर आ पाऊँ। तो वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए गाइस। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, बहुत बातें हो गई हैं। और ये टिप्स जरूर ट्राई कीजिएगा कि ग्लिसरीन अपने स्क्रब अपने मसाज क्रीम में ऐड करके बहुत ही अच्छा इफेक्ट आता है। अगर आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स है तो आप ग्लिसरीन में थोड़ा सा गुलाब जल ऐड करके अपने स्किन पे लगाओ, आपके पिंपल्स जड़ से खत्म हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कीजिएगा, इंस्टा आईडी है प्रीत तिवारी 24। वहाँ पे मैं अपनी रील्स वीडियो अपलोड करते रहती हूँ, रील्स एंड फोटो, ब्राइडल मेकअप, ये सारी चीज़ें, हेयर स्टाइल की वीडियोज़ अपलोड करते रहती हूँ। तो वहाँ पे जाके देखिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, मैंने आज ये ब्राइडल का मेकअप किया था, इनको इस तरीके से पल्लू वगैरह सेट किया है, ऐसे रेडी किया है। तो आप देख सकते हो बहुत ही प्यारी लग रही थी और बहुत ही प्यारी ब्राइडल भी थी। तो आप लोग को कैसी लग रही है तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। आपको अगर इस तरीके का मेकअप सीखना हो तो भी बताइएगा, मैं ज़रूर अपलोड करूँगी। और इसके बाद भी मैंने एक ब्राइडल रेडी की है, तो उसका नेक्स्ट वीडियो में मैं थोड़ा सा ऐड कर दूँगी। तो चलिए हेयर कट देखते हैं। तो ये बच्ची हैं जिनका हेयर कट करना है, इनके हेयर ऑलरेडी शॉर्ट हैं, बट इसको ही थोड़ा सा मेंटेन करना था, ट्रिम करना था। तो कैसे कर रही हूँ वो आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं सीजर ढूँढ रही हूँ और कॉम ढूँढ रही हूँ, जो कि मेरे बच्चे इधर उधर कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं इनके बाल शॉर्ट तो हैं, बट लेवल में नहीं, मतलब एक जैसा होना चाहिए फिनिश वैसा नहीं है। तो इसको अच्छे से फिनिश देने के लिए मतलब ये लेके आई थी इनकी दीदी। तो मैं पहले इनके बालों को गीला कर रही हूँ, उसके बाद से कटिंग करूँगी। तो छोटे बाल तो वैसे सुलझाने में दिक्कत होती नहीं है, क्योंकि कटिंग सीट काफ़ी ऊपर हो गई थी, तो आपको शायद हेयर कट दिखता नहीं, इसलिए मैंने कटिंग सीट थोड़ी नीचे कर दी है और अभी मैं कट करूँगी। तो ये देखिए, ये जो ऊपर नीचे हेयर है, मतलब एक एक इंच तक शॉर्ट करेंगे हेयर। अब जो मैंने गाइडलाइन ले ली है उसके अकॉर्डिंग ही सारे हेयर्स को कट करूँगी। तो आपके पास भी इस तरीके का हेयर आए कट करना हो तो आप मेरा वीडियो देख के अच्छे से कर सकते हो, अगर ट्रिमिंग के लिए शॉर्ट हेयर आ जाए तो। इसी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग सारे हेयर्स को थोड़ा थोड़ा करके मैं कट कर दूँगी। तो थोड़े से इधर के बाल इनके सूख चुके थे, तो मैंने उसको दोबारा से गीला किया है और कॉम करूँगी। और जो हमने हेयर कट किया है उसके अकॉर्डिंग ही सारे हेयर्स को कट करेंगे।
आप देख सकते हो फ्रंट का हेयर इनका ऑलरेडी छोटा था, तो आगे से कट करने की ज़रूरत नहीं है। और इस तरीके से आप कॉम में लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हेयर छोटे बड़े तो नहीं है, मतलब बराबर एकदम कट जाता है। तब इस तरीके से कॉम के साथ चेक कर सकते हो अपने हेयर मतलब बराबर हैं या नहीं। तो इस साइड से भी यहाँ के थोड़े से कट नहीं किए मैंने, तो उसको भी कट कर लेते हैं अच्छे से काम करके। इतने छोटे बाल हैं इनके, फिर भी उलझ रहे थे, तो आप देख सकते हो काम में फंस रहे थे बहुत ज़्यादा। बाल हेल्दी थे, कोई दिक्कत नहीं था, इनके बाल अच्छे हैं, क्वालिटी भी अच्छी है इनके बालों की। अब हम देखिए कितने अच्छे से हेयर कट चुके हैं इनके, फ्रंट से चेक करेंगे, थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो तो उसको कट कर देंगे। तो यहाँ से थोड़ा सा ऊपर नीचे लग रहा था, तो इसको थोड़ा सा मैंने कट किया बस। ओके, अब सारी तरफ से मैं अच्छे से चेक कर लेती हूँ। तो उधर का तो एकदम अच्छे से कट हो चुका था, अब इस साइड के भी हेयर को चेक कर लेंगे और बराबर में कट कर देंगे। तो फ्रंट ऊपर से इनके हेयर काफ़ी छोटे थे, तो वहाँ से कट करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो थोड़ा सा लॉन्ग है इसको हम लोग कट कर देते हैं। ओके, तो आई होप आप लोग को वीडियो हेल्पफुल लग रही हो और आपके पास भी इस तरीके का हेयर आए कट करने के लिए कि ऑलरेडी छोटे हैं इसको क्या कट करें। तो आप इस तरीके से ट्रिम करके बराबर कर सकते हो, अगर उनको ज़्यादा शॉर्ट बॉय कट में नहीं लेना है तो। अदरवाइज आपको जैसे अच्छे लगे आप कर सकते हो। तो ऊपर से देख रहे थे कि कहीं से कट तो करने की ज़रूरत नहीं है, तो नहीं कट करने की ज़रूरत है। मैं इनको बता रही थी हेयर बैंड वगैरह भी लगाएंगे तो अच्छा लगेगा इनके ऊपर, या फिर आप हाफ पोनी वगैरह भी बना सकते हो तो वो भी जचेगा। तो फिर से मैं रीचेक कर ले रही हूँ, जो भी हेयर है उनको एक्स्ट्रा जो लग रहा है उसको कट कर देंगे। उसके बाद से ये इनके बाल अच्छे से कट हो चुके हैं। नीचे करो सर, मैं ऊपर से चेक कर रही थी ऐसे उठा के, इधर उधर तो नहीं आया। तो कैसी लगी आप लोग को हेयर कटिंग की जरूर बताइएगा, अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कीजिएगा, इंस्टा आईडी है PreetiWarrior24। वहाँ पे मैं अपनी रील्स वीडियो अपलोड करते रहती हूँ, रील्स एंड फोटो, ब्राइडल मेकअप, ये सारी चीज़ें हेयर स्टाइल की वीडियोज अपलोड करती रहती हूँ। तो वहाँ पे जाके देखिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं।